भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। वह किसान आंदोलन को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया हुआ है। यह मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषि कानून बनाए गए थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा झूठ बोलकर भ्रम फैलाकर कृषि कानूनों का विरोध किया गया, जो बिल्कुल गलत है। असली किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर, जो अब्बा जान वाला बयान था, उस पर सवाल पूछा गया। सवाल पूछे जाने पर नेताजी बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब्बा जान वाला बयान मेरी जानकारी में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रबुद्ध सम्मेलन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता व अन्य नगरवासी शामिल हुए, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में अनिल शर्मा खतौली विधायक विक्रम सैनी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विचार साझा किए। प्रबुद्ध समाज, जो हमारे समाज के प्रबुद्ध जन हैं, जिनमें अध्यापक बंधु, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, तो उस तरीके के लोगों का आज एक सम्मेलन था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। अच्छा, आपने भी कहा है कि किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, किसान तो काम कर रहा है, और अब्बा जा इसके नारे भी लगे हैं ऐसे, अल्लाह वक्त लगे, क्या कहना चाहते हैं? बात यही है कि जो ये कानून बनाए इस देश की पार्लियामेंट ने, आदरणीय मोदी जी ने, तो वो किसान के आय को 3 गुना बढ़ाने के लिए की दिशा में एक मजबूत कदम था, लेकिन लोगों ने झूठ बोल के, भ्रम फैला करके, अपनी नेतागिरी करने के लिए अनन्य कारणों से उसका विरोध किया, और आज वो लोग सामने भी आ गए हैं कि असली जो किसान है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुख्यमंत्री जी ने एक अब्बा जान लेकर जो बयान दिया था, उस पर काफ़ी बखेड़ा खड़ा हुआ। काय में बखेड़ा हुआ? जो अब्बा जान वाला बयान दिया है उन्होंने, कि अब पहले जो, इससे पहले जो सरकार थी वो अब्बा जान और बहन जी, जो अब्बा जान लोग थे वो राशन खा जाया करते थे, उस पर आपका क्या कुछ कहना? मेरी जानकारी में टिप्पणी नहीं है, किसने दी है मेरी जानकारी में नहीं।